बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल राज न्यूज में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राज इंग्लिश यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से हिंदी अनर्स कर रहे हैं वैसे परीक्षार्थी जो पार्ट टू में हैं, उनकी पार्ट टू की परीक्षा होने वाली है। वो इंतजार कर रहे थे पार्ट टू के टॉप 10 क्वेश्चन की हिंदी अनर्स की पेपर 3 और पेपर 4 की। आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो आप इंतजार कर रहे थे बिल्कुल वही है टॉप 10 क्वेश्चन हिंदी अनर्स वाले स्टूडेंट के लिए। देख पा रहे हैं हिंदी अनर्स पेपर 3 टाइमिंग 3 घंटा फुल मार्क्स 100 टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर बीए पार्ट 2 एग्जामिनेशन। ये 10 क्वेश्चन पेपर 3 में है और 10 क्वेश्चन पेपर 4 में है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता है बिल्कुल इसी तरह से होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा भी आप अपने क्वेश्चन बैंक का सहारा ले और वहां से जो प्रीवियस 2 ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर भी नज़र रखिए, उसका भी आंसर आप अपने माइंड में सेट करके रखें ताकि आप एग्ज़ाम में जब बैठे तो आप ये यदि मैच नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है कि ये टॉप 10 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन यहाँ पर जो दिए गए हैं ये 10 के 10 वहाँ पर मैच कर जाए। कुछ मैच करता है कुछ नहीं करता है, तो जो कुछ नहीं करता है वो हो सके आपके प्रीवियस 2 ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए एग्ज़ाम में वहाँ से पूछा जाए, तो आप उसे भी ध्यान में रखें। फिलहाल हम इसको देखते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दे। इस तरह से एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं और जो ऑप्शंस आपको दी जाती है वह 4 तक ऑप्शंस दी जाती है। क में जो है हिंदी कहानी के क्षेत्र में रेणु अथवा प्रेमचंद्र के योगदान का विवेचना करें। पहला क्वेश्चन यह है, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन क। दूसरा है, हिंदी नाट्य परंपरा को जयशंकर प्रसाद की क्या देन है स्पष्ट करें। तीसरा है, प्रेम चंदोत्तर हिंदी उपन्यास की विकास परंपरा को रेखांकित करें। फ्रेंड्स यहाँ पर ये हैंड राइटिंग में है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती है तो आप अपने अकॉर्डिंग, कुछ इरर होती है तो आप अपने अकॉर्डिंग करेक्ट करते चले, चाहे वह स्पेलिंग मिस्टेक हो तब या प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो तब, क्योंकि मैं जो हूँ हिंदी अनर्स का छात्र नहीं रहा हूँ इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ हिंदी अनर्स का पार्ट 2 का जो टॉप 10 क्वेश्चन है, तो कुछ इरर आती है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको करेक्ट करते चलें। ऑप्शन जो आप देख पा रहे घ प्रगतिवाद काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाले, वही अंग है समकालीन कविता अथवा नई कविता की प्रमुख विशेषताओं को लिखे, और च है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे। ऑप्शंस के अंदर भी ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो जो 6 ऑप्शंस हैं उनमें उनके अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं लगभग इनमें 6 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं दो पर आपको आंसर करना है। लेकिन ऊपर जो दिए गए हैं कि किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दे, तो आप इनमें से किसी भी दो का आप आंसर कर सकते हैं, यहाँ पर अबाउंडेड नहीं है, आप 6 तक ऑप्शन है उनमें से किन्हीं दो का आंसर आप कर सकते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दे, यहाँ पर भी वही है, और जो ऑप्शन क है महादेवी अथवा निराला का कवि परिचय दे। उसके बाद है ऑप्शन ख है बच्चन अथवा पंथ के कारण वैशिष्ट पर प्रकाश डाले, कुछ इसी तरह की यहाँ पर है, आप करेक्ट करते चले। उसके बाद है ऑप्शन ग में धर्मवीर भारती अथवा दिनकर के कवि व्यक्तित्व का परिचय दे। आगे है सांझ का बादल, ऑप्शन घ में है सांझ का बादल अथवा संध्या सुंदरी शीर्षक कविता की समीक्षा करें। उसके बाद है मंगल वर्षा अथवा ताज कविता का भाव संदर्भ स्पष्ट करें। आगे है हिमाद्री त्रिंग श्रृंग अथवा गीत अगीत कौन सुंदर है शीर्षक कविता की विशेषताओं को रेखांकित करें, कुछ इसी प्रकार की दी गई है। तीसरा नंबर जो ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें, ये जो दी जाती है लाइनें क ख ग घ अंगत और च तक, यहाँ पर ये जो लाइनें दी गई है आपके बुक से जो कविता है वहाँ से ये लाइन उठाई जाती है। आपसे कहा जाता है एग्जाम में ये पैसेज जो है इन लाइन में, ये लाइन में जो क्या कही गई है बातें, वो बातें बताने के लिए आपको कहा जाता है। इसके इस पोएम के जो टाइटल है उस टाइटल को लिखने के लिए कहा जाता है, और इस राइटर का जो नाम है उस राइटर का नाम बताने के लिए कहा जाता है। आप इस वीडियो को पॉज करके ये तमाम जो पोएम के जो लाइन यहाँ पर दिए हैं आप इसे पढ़ें और मैच करें अपने बुक से या गेस से, और इनके राइटर कौन है और इस पोएम का टाइटल क्या है, इस लाइन का मतलब क्या होता है, आप इसको अच्छे से समझें और एग्जाम में यदि पूछे जाते हैं तो आप इसका सही सही आंसर वहाँ करने की कोशिश करेंगे। पेपर 3 में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
1, 2, 3 क्वेश्चंस कहने के लिए तो 3 क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर भी ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर आंसर करें। हम चलते हैं पेपर 4 की ओर, और पेपर 4 में जो आप देख पा रहे हैं इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम होती है। और क्वेश्चन नंबर जो 1 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर दें। पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, पहले क्वेश्चन में ऑप्शन जो दी जाती है, इसमें 6 तक ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि किन्हीं, आपसे कहा जाता है कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। पहला नंबर जो है, क में नाट्य कला की दृष्टि से अजात शत्रु नाटक का मूल्यांकन करें। वही है दूसरा नंबर, ठेस अथवा एक गौ अथवा कानों में कंगना शीर्षक कहानी की समीक्षा करें। उसके बाद है, ग में दिव्य उपन्यास के प्रतिपाद पर प्रकाश डाले, कुछ इस तरह की यहाँ पर दी गई है। उसके बाद जो आगे दी गई है, घ अंग च छ ज झ तक ऑप्शंस जो दी गई है, इस पर आप एक बार नजर डालें और आप अपने बुक या गेस्ट पेपर से मैच करें और इसका आंसर आप ढूंढें और इसको याद करें। ये टॉप 10 क्वेश्चन है, इसकी संभावना एग्जाम में बहुत अधिक होती है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। ये भी यहाँ पर भी पेपर 4 में यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, यहाँ नीचे तक आप देखेंगे झ तक आपको ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन तो 2 ही पूछे जाते हैं, लेकिन उसके अंदर से यहाँ पर ऊपर वाले में 3 का आंसर करना होता है और इसमें से आपको 4 का आंसर करना होता है। ये सब वही है, पोएम्स के लाइन है। और जैसा कि पेपर 3 में मैंने आपको बताया कि किस तरह से पोएम्स जो पूछे जाते हैं उसका आंसर किस तरह से करना होता है, उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है, उस पोएम का टाइटल लिखना होता है और उस पोएम के जो राइटर है उनका नाम बताना होता है, कुछ इस तरह से आपको एग्जाम में आंसर करना होता है। तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उनमें से 4 का आंसर, 4 पैसेज का आपको आंसर करना है। यही है हिंदी ऑनर्स पेपर 4 और इधर है पेपर 3 पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए, जो मैंने कोशिश की आप तक पहुंचाने की और आपने इस वीडियो के अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।